के न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। देश में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों से लेकर सरकार तक फुल एक्शन में नजर आ रही है और इसी का नतीजा है कि हाल ही में यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली से 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि देश में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के इरादे से कोहराम मचाने को तैयार थे। ऐसे में देश भर की पुलिस और सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है कि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाए। वहीं इंदौर के एक होटल एंड रिजॉर्ट को इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है और जिसका परिणाम है कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को करते हुए होटल एंड रिजॉर्ट को सील कर दिया है। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका बनी हुई है, जिसे लेकर सावधानी भी बरती जा रही है। लेकिन इंदौर के पुण्य होटल एंड रिजॉर्ट की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसे पुलिस और प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चूक मान रही है और होटल प्रबंधन की लापरवाही पर तुरंत एक्शन लिया गया। बता दें कि इस होटल में बिना कोई जानकारी दिए सैकड़ों लोग रुके हुए थे और होटल प्रबंधन ने एक भी शख्स की जानकारी ना तो अपने रजिस्टर में ली थी और ना ही उसने नजदीकी थाने में इसकी सूचना दी थी। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया। आइए आप खुद सुनिए इस मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि होटल पुण्य एवं रिसोर्ट जो है, यहाँ पे काफी संख्या में लोग रुके हुए हैं और उनके द्वारा जो होटल मालिक और प्रबंधन है, इनके द्वारा थाने पे जो कलेक्टर साहब द्वारा आदेश दिया गया था कि थाने पे इनकी सूचना देना अनिवार्य है। होटल प्रबंधन को मेंटेन किया जाना था कि कौन व्यक्ति रुके हैं और कौन नहीं रुके हैं और इसकी सूचना थाने पे दिया जाना था, परंतु इनके द्वारा कलेक्टर महोदय के इस आदेश का उल्लंघन किया गया, जिसके तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है एवं प्रशासन द्वारा इस होटल को सील किया गया है। इन दिनों इंदौर पुलिस अलर्ट मोड पर है और ऐसी कार्रवाई देखने को मिलती रहती है। शिवराज सरकार के भी सख्त आदेश दिए गए हैं कि अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, जिसके तहत ये एक्शन देखने को मिल रहे हैं। बीके न्यूज के लिए देव की रिपोर्ट। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज।